सलामत रहे दोस्ताना हमारा, और आर्टिस्ट हमारे हैं प्रमोद प्रेमी और हसीन खान। और ये फिल्म एक दोस्ती की मैसेज देने के लिए हमने बना रहे हैं हम लोग। और ये फिल्म बहुत अच्छी लव स्टोरी भी है, इसमें आपको सस्पेंस, लव स्टोरी सब चीज़ मिलेगी देखने को। और ये फिल्म एक मिसाल फिल्म होगी, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। और ये फिल्म हम लोग कर रहे हैं, शूटिंग जल्द करेंगे इसकी। वैसे इससे पहले भी आपने प्रमोद प्रेमी के साथ काम किया है, फिर से आप एक बार प्रमोद प्रेमी के साथ काम करने जा रहे हैं। वो प्रमोद प्रेमी जो आपकी पिछली फिल्म में था और ये प्रमोद प्रेमी जो आपके साथ बैठे हुए हैं, कुछ तब्दीली, कुछ बेटरमेंट आपको नजर आई? प्रमोद प्रेमी मेरे साथ ये तीसरी फिल्म है, समझिए तो हैट्रिक कर रहे हैं मेरे साथ ये। और तब्दीली तो देखने में ये हो रहा है, पब्लिक इतना प्यार दे रहे हैं तो ज़रूर है, और अच्छी चीज़ है। पहली फिल्म में आदमी आया तो ये इनमें एक स्पार्क था, पहले से मैं बोल रहा हूँ कि प्रमोद प्रेमी में एक स्पार्क है, तो मैंने इनको देख के फिल्म में लाया चनाचोर गरम फिल्म की, वो दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। दूसरा फिल्म हमने एक समा दो परवाना किया, जिसमें ये दोनों आदमी हीरो हैं उसमें। और तीसरी फिल्म हम दोस्ती पे ही कर रहे हैं, तो सलामत रहे दोस्ताना हमारा, तो प्रमोद प्रेमी की सलामती तो इस फिल्म इंडस्ट्री में रहेगी। प्रमोद भाई आप भी कुछ बताइए ज़रा। सबसे पहले सब मीडिया भाई लोग, दर्शक भाई लोग, हम प्रमोद प्रेमी प्रणाम करते हैं। और ये फिल्म आज हमारे फिल्म 3 गो के मुहूर्त भेल जौन फिल्म सलामत रहे दोस्ताना हमारा HP म्यूजिक वर्ल्ड के द्वारा ही बना तले बना था, जगह डायरेक्टर रितेश भैया बानी। और दो फिल्म और बहुत करी 2 बा जौन रवि जी जमना फिल्म के डायरेक्टर बानी, यहाँ के खुद प्रोडक्शन से बना था हर हर महादेव इंटरटेनमेंट से। और एगो फिल्म ही बा तूफान, जगह डायरेक्टर बनी रवि सिन्हा जी, वो HP म्यूजिक वर्ल्ड से बंद। 3 फिल्म के आज हमारे मुहूर्त बा। और दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा के डायरेक्टर रितेश भैया बानी। तो रितेश भैया बहुत शुरू से स्ट्रगल, जब मुंबई में हम बनी उस समय हमारा का अपना काबिल यहाँ का समझ ली, और फिल्म चना जोर गरम यहाँ के हमारा के लंच कैनी, बहुत काफ़ी प्यार मिलल। दूसरा फिल्म रहे मुन्ना मवाली, रवि सर बैठल बनी, यहाँ का अपना काबिल समझ ली हमारा के। और मुन्ना मवाली भी बहुत बढ़िया सुपर डुपर हिट फिल्म चलल हमार। और एक फिल्म का आज मुहूर्त बा, बहुत अच्छा लगला भैया, बहुत सपोर्ट कर ले हैं। रवि जी आप भी बताएं जरा अपनी फिल्म के बारे में, स्टोरी लाइन क्या है बेसिकली दोनों के। सबसे बड़ी तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, बहुत इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि मेरी आज 2 फिल्मों की मुहूर्त हो रही है। एक फिल्म है तूफान, जिसमें प्रमोद प्रेमी जी हीरो हैं, वसीम जी हीरो हैं, हसीन खान जी हीरो हैं। दूसरी फिल्म मेरी बहुत बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी, आप सब लोगों ने देखा होगा, मीडिया लोगों ने सराहा होगा, हथकड़ी, जिसमें उस जमाने में दिनेश जी और खेसारी जी थे। इस फिल्म में जो है हथकड़ी में जो है प्रमोद जी हैं, मनमोहन मिश्रा जी हैं। और मैं चाहूँगा इस तरह की हथकड़ी 2 जो बना रहा हूँ, तो हथकड़ी 1 से किसी मामले में कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि लोग कंपेरिजन हमेशा करते हैं कि 1 आई तो ऐसा आया, 2 आया तो ऐसा आया। तो मैं समझता हूँ किसी को उस फिल्म से निराशा इस हथकड़ी 2 से नहीं होगी। और मेरे फिल्मों का टाइटल बड़ा हमेशा पब्लिक के लिए अच्छा होता है, तूफान, वो तूफान लाएगा। इसमें प्रमोद प्रेमी जी हैं, हासिम खान जी हैं, और प्रमोद जी के साथ काम करने का मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। मैंने इनके साथ काम की थी मुन्ना मवाली, जो सारी जनता को पता है, ऑडियंस को पता है, मीडिया को पता है, वो पिक्चर कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। तो इनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए मैं फिल्म बनाता हूँ। तो अभी जो 2 फिल्में कर रहा हूँ, इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख कर इनके कैरेक्टर उसमें लिखा गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रमोद जी एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर फिल्में देंगे और पब्लिक के जो है चेहता बनेंगे। और साथ में हसीन खान जी हैं, नए एक्टर हैं, इन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है, इनका काम मेरे साथ काम किया है फिल्म में, और इस तूफान में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़बरदस्त कलाकार फिल्म इंडस्ट्री को मिलने जा रहे हैं। ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं 3 ही एक्टर हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, हैं ऐसा तो नहीं है, कोई पेड़ से सीख के नहीं आता है, हर आदमी जो है नया होता है, शुरू में नया होता है, धीरे धीरे पॉलिश होते ही पुराना होता है। प्रमोद जी उसमें से एक है, मैं तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं प्रमोद जी के साथ, और जितने भी कलाकार हैं रितेश मांडे वगैरह सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि सब लोग आए और इंडस्ट्री को बूस्टअप करें। रवि जी जब आप बात करते हैं हथकड़ी की बात करते हैं, आपने अभी कहा कि बड़ी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, तो जिस
स्टार कास्ट के साथ वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, उसे आपने इस फिल्म में रिपीट नहीं किया? स्पेशली मैं खेसारी लाल की बात कर रहा हूँ, उन्हें ना लेने की कोई वजह? देखिए, उनसे मेरे इस मुद्दे पे बात भी नहीं हुई है ना, दिनेश जी से मैंने बात किया। जब मैं मुन्ना मवाली फिल्म किया, मुन्ना मवाली फिल्म करने के बाद प्रमोद जी के अंदर उस पार्क देखा मैंने, और एक फिल्म मेरी एक और आ रही है टाइगर, मरकर भी टाइगर में जिंदा है, जिसमें मनमोहन मिश्रा जी उस फिल्म में हीरो हैं, तो उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं, मुझे लगा कि ये दोनों आदमी को मैं लेता हूँ तो डेट्स का प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा, और बहुत सहूलियत से टाइम पर फिल्म बना लूँगा, बनाने के बाद जो है दर्शकों तक दे जाऊँगा, ये मैंने सोचा। और स्क्रिप्ट भी बड़ी ज़बरदस्त है, उस फिल्म से किसी मामले में कमी नहीं होगी। सर, मैं हसीन खान, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, बहुत ही लक्की हूँ जो मेरे साथ दो महान डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं। एक हमारे रितेश जी हैं और दूसरी तरफ रवि जी हैं, जिनके साथ हमने एक पिक्चर और, रितेश जी के साथ हमने एक पिक्चर और, दो पिक्चर बल्कि किया है। एक तो एक समा दो परवाने जो फ्लोर पर अभी रिलीज़ होने वाली है, और दूसरी एक और पिक्चर है रितेश जी के साथ लेमन चूस, उसमें भी काम किया है। और डायरेक्टर साहब के साथ काम करके बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस वाले डायरेक्टर साहब हैं और इनके साथ करके काम बहुत मज़ा आया। दूसरी तरफ हमारे रवि जी साहब हैं, इनके साथ भी हमने एक पिक्चर किया है टाइगर मर के भी जिंदा है, मरकर भी टाइगर भी जिंदा है, उसमें बहुत बड़ा काम किया है, काम किया है मैंने। तो ये डायरेक्टर साहब भी बहुत ही मतलब महान डायरेक्टर साहब हैं, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो दोनों महान डायरेक्टर के साथ काम किया है। अभी तीसरी चौथी पिक्चर मेरी ये जा रही है दोस्ताना, सलामत रहे दोस्ताना, हमारा HP एंटरटेनमेंट के, HP म्यूजिक वर्ल्ड के बैनर की तरह बनने जा रही है। और पांचवी पिक्चर ये तूफान है हमारी, जो प्रमोद भाई के साथ काम करने जा रहे हैं, इसमें भी प्रमोद भाई हैं। और प्रमोद भाई, हम दोनों एक समा दो परवाने से मिले थे, जब से हमारी इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि अभी तक सलामत है दोस्ती हमारी, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि सलामत रहे दोस्ती हमारी जिंदगी भर, लाइफ टाइम तक। गाना आपने शायद दूसरे तरीके से, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, जी दोस्ताना आप लोगों का सलामत रहे, जी 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 सलामत रहे दोस्ताना हमारा। इस दोस्ती के कुछ किस्से प्रमोद प्रेमी भी बताएं जरा, क्या करते हैं बेसिकली दोनों इकट्ठे होते हैं? ये दोनों दोस्त शूट पे आपस में एक समा दो परवाने में दोनों मिले, और दोनों में पहले दिन में कुछ बात नहीं हुई, दूसरे दिन से ये लोग बहुत अच्छी दोस्ती हो गई लोगों में। अब ये जो भी सीन समझना होता तो इनकी सीन है तो ये भी बैठते, तो दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो मैं उसी समय सोचा कि बोला था कि सलामत रहे दोस्ताना आप लोगों का, तो इस पे ना मैंने एक फिल्म बनाया। तो इसमें देखते हैं इस फिल्म में कि अगर दोस्ती सलामत रहती है कि लड़की के लिए दोस्ती टूट जाती है। टकराएंगे तो जरूर, इसलिए पोस्टर में लड़की नजर नहीं आ रही, क्योंकि लड़की अगर ला देंगे तो अभी से ही टकराने लगेगी, इसलिए वो पर्दे पे दिखेगी। प्रमोद भाई, सच में तूफान तो आपको आया, एक साथ तीन तीन फिल्मों के मोड किए आपने, प्रमोद प्रेमी खुद बताएं जरा, वो आपकी पहली फिल्म के डायरेक्टर और आपकी दूसरी फिल्म के डायरेक्टर आपके साथ हैं, प्रमोद प्रेमी क्या? देखिए, सबसे पहले मेरा जीवन का सबसे बड़ा फिल्म बना चना जोर गरम, उसके बाद मुन्ना मवाली, उसके बाद एक फिल्म और हम अभी करके हैं प्रेमी अजवा, जिसके डायरेक्टर अजय झा जी हैं, बहुत प्यारे, बहुत मैंने होता है बहुत अपने भाई से भी ज़्यादा अजय भैया हमको मानते हैं, बहुत सपोर्ट किए तीनों डायरेक्टर को, हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने काबिल इन लोगों ने हमको समझा और अच्छे ढंग से कराए, बहुत अच्छा लगा। दिन पर दिन प्रतिदिन सब लोग हमको बहुत प्यार करते जा रहे हैं, जितने डायरेक्टर। प्रमोद भाई, खुशी का एक और मौका है, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी का अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है, और ये मौका दोहरी खुशी का है, वही खुशी के माहौल में आज हम मुहूर्त रखनी है। तीन फिल्म का हमारे रवि जी के फिल्म बा और HP म्यूजिक वर्ल्ड के, आज वही खुशी में हमने के आज मुहूर्त के डेट रखाई है। आज सारे भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, अपने विंग कमांडर अभिनंदन जी आ रहे हैं, हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं, उन्होंने जो वीरता दिखाई वहाँ पर जाकर पाकिस्तान में, या जो काम उन्होंने किया वो एक इतिहास होगा, सारे देशवासियों को उससे लेसन लेना चाहिए, और उनको हम लोग सलाम करते हैं, सब लोग सलाम करो भाई, उनके सलाम करते हैं हम लोग, और हम लोग उनके आगमन से उनके तीन फिल्मों के मुहूर्त के साथ उनका अभिनंदन जी। वैसे जब भी बात पाकिस्तान की होती है तो हमारे यहाँ पे बड़ी सारी फिल्में बनी है पाकिस्तान को लेकर, रवि जी आप जरा बताएं कि जब तक बात फिल्मों की होती है, जो देशभक्ति है
वो फिल्मों में साफ नजर आती है, लेकिन फिलहाल कुछ वक्त से भोजपुरी में देशभक्ति वाली फिल्में कम नजर आ रही है, कोई खास वजह लगती है लगती आपको? देखिए क्या है, मैं तो लोगों पर नहीं जानता हूँ, मैं अपनी जानता हूँ। पहले फिल्म आई थी दिनेश जी की फिल्म आई थी पटना से पाकिस्तान, पूरे उसमें देशभक्ति थी। एक फिल्म आई थी दुल्हन जाए पाकिस्तान से। लेकिन क्या है, फिल्म जिस तरह की फिल्म हिंदुस्तान की कसम थी राजकुमार साहब की, यह हकीकत थी धर्मेंद्र जी की थी पिक्चर, उस तरह की दोस्त उस तरह की फिल्में बननी चाहिए अपने देशभक्ति के नाम पर, और उसके लिए प्रोड्यूसर को पहल करना चाहिए। हम डायरेक्टर लोग को उसमें चाहिए कि उनको जो है उनको उस चीज़ के लिए जो है उनको रेडी करें कि ऐसी फिल्म बनावें जिससे कि जो है पूरी जनता देशभक्ति के नाम पर वो याद करे कि वाह क्या फिल्म है, और एक संदेश हो लोगों को, और एक संदेश हो कि मेरे फिल्म मेकर जो है इस देश तरह की देश भोजपुरी को हमेशा लोग बोलता है कि भोजपुरी फिल्म वाले ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, कौन बोलता है, मीडिया वगैरह आप लोग सब जानते हैं, लेकिन हम लोग हमको उन सब चीज़ों से पढ़ना नहीं है। हमको हम लोग चाहते हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम लोग जैसे रितेश जी हैं डायरेक्टर, ये अजय जी हैं, हम लोग को ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो कि किसी भी तरह से कोई अंगुली नहीं उठाए उसके ऊपर, नो वल्गैरिटी, नो कुछ डबल मीनिंग्स चीज़ें, एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए, और अभी के माहौल है एक देशभक्ति फिल्म तो बनानी चाहिए। नितेश जी, लेकिन जब फिल्म शुरू होती है तो ये सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद कहा जाता है कि मसाला के नाम पर थोड़ी सी अश्लीलता चल सकती है, फिल्म शुरू कुछ और फॉर्मेट में होती है, बनती कुछ और फॉर्मेट में है? देखिए मसाला होता है, हर लोग घर में अपनी सब्जी बनाते हैं तो मसाला डालते हैं, हर लोग का तरीका होता है कि कौन कितना डालता है कौन कैसे डालता है, तो तरीका होता है मसाला डालिए, लेकिन वो पर्दे के अंदर वाला मसाला डालिए तो अच्छा लगता है, तो उसको अश्लील नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पब्लिक को भी तो थोड़ा सा इन्जॉय करें, पब्लिक कुछ पब्लिक होते हैं जो अपना शर्ट वर्ट खोल के उड़ाते हैं, तो उसको गंदगी नहीं दिखानी है, लेकिन पर्दे के अंदर एक मसाला तो देना है, तभी सब्जी अच्छी लगेगी, बिना मसाले की आप सब्जी आपको खिलाएंगे तो नहीं अच्छी लगेगी। प्रमोद जी, दो दिन पहले जुबली स्टार निरुआ लाइव आए, उन्होंने कहा कि अगर फिल्म में मेरी फिल्म में कोई भी प्रोड्यूसर ये कहेगा कि डबल मीनिंग वाले गाने रहे या फिल्म में अश्लीलता रही तो मैं फिल्म की शूटिंग छोड़ दूंगा, इस बात की मैं शपथ लेता हूँ। प्रमोद प्रेमी अश्लीलता के खिलाफ इस लड़ाई में साथ देंगे? जी हम साथ देंगे। कैसे? अरे चाहेंगे कि अश्लीलता चीज़ हम भी नहीं करें जो सब लोग कर रहे हैं, जैसे दिनेश भैया बोले ना कि अश्लीलता होगा तो हम नहीं करेंगे, वैसे हम भी करेंगे, सब लोग हम साथ हैं अश्लीलता के। वैसे कुछ सुना देंगे हम आपको। क्या सुनाना चाहते हैं? सुना देंगे कुछ आपको, इंतजार कर रहा हूँ। देखिए अब गाना हम सुना रहे हैं, मेरा एल्बम अभी देशभक्ति का गाना, देशभक्ति का गाना, देशभक्ति आपको सुनाते हैं। एक लड़का दुर्गा माँ से कहता है कि माँ हमको उस टाइप को बना दो जैसे कि हम देश की रक्षा कर सकें। उस लड़के का पिताजी को माने मवादी मार दिया था, उसी माँ के दरबार में जाकर कहता है जैसे अरे कि नहीं बनब हम साहेब अरे ना किसान रे माई, कि नहीं बनब हम साहेब अरे ना किसान रे माई, हम तो बनब अपन देशवा के जवान माई, हम तो बनब अपन देशवा के जवान माई। मास नहीं हो रहा करता क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इससे अच्छा गाना हो ही नहीं सकता आज का माहौल और मौसम को देखते हुए। वैसे आप नजदीक में होली भी, प्रमोद जी कोई होली का अपना रंग होता है, प्रमोद प्रेमी पर भी जरूर वो चढ़ रहा होगा, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? प्रमोद प्रेमी पे होली का रंग बहुत अच्छा चढ़ता है। अब देखिए होली है तो थोड़ा रसदार होता है, होली में तो गाया जाता है, उसमें अश्लीलता के खिलाफ हम लोग क्या होली को मुक्त करते हैं, होली एक फ्री है, होली एक फ्री होता है, तो कभी गाना मेरा चल रहा है बड़ा बढ़िया है। हर की भर पेट मजल राजा नहीं हर के सरसों फुलाइल रहे दिन दोपहर में, कि भर पेट मजल राजा नहीं हर में सरसों फुलाइल रहे दिन दोपहर में, जातनी ससुरा सैया के कबहू फील ना होखे, जातनी ससुरा सैया के कबहू फील ना होखे, रबड़ वाला चोली किन के दिहे यरबु कबो ढील ना होखे। बहुत ही अच्छा गाना था। ये होली के माहौल का गाना है इसलिए इस तरह गाना चलता है, चलता है थोड़ा गाया जाता है।
देखिए मेरी फिल्म का भी मैं अभी डबिंग अपना फिल्म का डबिंग आज पूरा किया हम महेश सुपर किंग डॉन उसका डबिंग मेरा कंप्लीट हुआ बहुत जल्द रिलीज पर है। उसके बाद भोजपुरिया सुल्तान जो 2 साल पहले फिल्म किए थे उनके डायरेक्टर नीरज भारद्वाज जी को भी धन्यवाद प्रणाम करते हैं यहाँ के नीरज जी बानी ऐजा और बहुत जल्द हमारे फिल्म रिलीज पर अभी हम किससे कम नहीं ओकरा बाद प्रेमी ऑटो वाला रिलीज पर बा चार एक समा दो परवाना टेलर छूटल बस 5-6 फिल्में मेरी रिलीज पर अभी है। रोपे आपको ऐसी फिल्में क्यों मिलती हैं ये हथकड़ी मुंह वाली डॉन ऐसी ऐसी फिल्में जानते हैं सर हम सोचते हैं कि कोई हम सपोर्टिंग सोचते हैं कि कोई भाई मेरे चलते बढ़ता है तो उसको लेकर चलते हैं से मेरे दोस्त है इनके साथ अच्छा लगता है काम करने में इनके साथ कर एक मेरा विक्रोध फिल्म आ रहा है सर के साथ वो भी क्रोध आएगा तो थोड़ा मन करता है कि एक्शन मिजाजी आदमी है तो उस टाइप को करे फिल्म अच्छा लगता है। ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू नमस्ते।